प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में व्हेन आई वाज रेंडरिंग माय एक्चुअली फाइल, उस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरनेट क्या हो गया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी और इसलिए पूरा लेक्चर रेंडर नहीं हो पाया। तो जितना लेक्चर रेंडर हो पाया था उतना लेक्चर हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आज उसी पर्टिकुलर टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिस क्वेश्चन पे हम अटके थे, ठीक है। हम यहाँ पे अटके हुए थे, ओके, और हम क्या कर रहे थे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे अपने दिया हुआ है एक स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। हम स्फेरिकल सिमेट्री की बात कर रहे थे। यू कैन सी दिस इज अ स्फेरिकल सिमेट्री, ओके। और इस स्फेरिकल सिमेट्री में ये जो है रेडियस होगा कैपिटल आर, ओके। तो सेंटर से लेके बाउंड्री की जो रेडियस है वहां तक, सेंटर से लेके बाउंड्री की जो रेडियस है वहां तक क्या है एग्जैक्टली? तो वहां तक ये जो चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ पे दिखाई गई है। यू कैन सी दिस, ये जो वैल्यू यहाँ पे है रो आर, दैट इज रो जीरो फाइव बाई फोर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, वो चार्ज डेंसिटी है सरफेस तक, और सरफेस के बाहर की तरफ चार्ज डेंसिटी है जीरो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बस इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। मतलब अंदर का कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट में से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, और मुझे गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसको काउंट करना पड़ेगा। तो चार्ज को काउंट करने के लिए देखो हम यहाँ पे पिछले दो प्रॉब्लम में ये सेम तरीका अप्लाई कर चुके हैं कि हम क्या करते हैं, तो एक यहाँ पे एक शेल ले लेते हैं। शेल मतलब क्या होता है, होलो स्फीयर होता है। कि होलो स्फीयर हमारा क्या हो जाएगा, लिटिल वन हो जाएगा, राइट। होलो स्फीयर विल बी लिटिल वन, ओके। तो हम यहाँ पे एक शेल ले लेंगे और ये शेल क्या होगा, तो ये जो शेल एज्यूम किया, उस शेल के लिए जो रेडियस होगी वो होगी स्मॉल आर, स्मॉल आर उसकी रेडियस होगी, और उसकी जो थिकनेस होगी दैट थिकनेस इज डी आर, ओके। शेल की रेडियस होगी स्मॉल आर, थिकनेस होगी डी आर, तो देयरफॉर चार्ज विद इन द शेल क्या आएगा, तो चार्ज विद इन दिस शेल को अपने डी क्यू बोलते हैं, और वो होता है रो आर इनटू शेल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ शेल। चलो ये शेल का वॉल्यूम क्या होगा, ये रो लिखता हूं मैं अभी, और शेल का वॉल्यूम होता है शेल का एरिया और शेल की थिकनेस। शेल का आर जितनी रेडियस वाला शेल लिया है तो उसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर और उसकी थिकनेस होगी डी आर। चलो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ये जो रो की वैल्यू है वो रख देते हैं, रो जीरो यहां पे 5 बाई फोर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, फिर यहां पे 4 पाई आर स्क्वायर एंड देन डी आर, ओके। तो ये हो जाता है बेसिकली डी क्यू का फॉर्मूला, ओके। तो अब हमको क्या करना है, अगर मैं इसको देखिए यहां पे सेंटर में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए अलग यहां पे सेंटर से लेके इस बाउंड्री तक, जिस बाउंड्री को मैं यहां पे बना रहा हूं रेड बाउंड्री, ठीक है, इस बाउंड्री तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर का जो टोटल चार्ज है ना वो मिल जाएगा, और इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देयरफॉर चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस क्या होगा, तो कि इंटीग्रेशन डी क्यू होगा, और वो कहां तक करना पड़ेगा, तो कि जीरो से लेके आर तक। जीरो मतलब क्या करना पड़ेगा, सेंटर, और आर मतलब वो जो बाउंड्री है गॉसियन सरफेस की उस तक। तो अब क्या करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन। देखो जीरो टू आर डी क्यू की जगह पे रो जीरो लगाएंगे, ये 5 बाय 4 हो जाएगा, फिर यहां पे आएगा 4 पाई आर स्क्वायर और देन डी आर आ जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, यहां पे 4 पाई रो जीरो, 4 पाई रो जीरो यहां पे 0 टू आर 5 बाय 4 स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और यहां पे आर स्क्वायर और डी आर, ओके।
तो चलो यहां तक इंटीग्रेशन यहां पे आ चुका है, अब क्या करने हैं करेंगे तो देखते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं इस इंटीग्रेशन को। देखो यहां पे क्यू एनक्लोज्ड क्या होगा, फिर से एक बार लिख लेते हैं जो पहले लिखा था वो, 4 पाई रो 0 इंटीग्रेशन 5 बाय 4 आर बाय आर आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई रो 0 इंटीग्रेशन 0 टू आर 5 बाय 4 स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर और यहां पे आर स्क्वायर डी आर। तो चलो अब क्या करते हैं, 4 पाई रो 0 इसको एक्सपांड कर देते हैं इंटीग्रेशन को 0 से लेके आर 5 बाय 4 आर स्क्वायर डी आर एंड 0 से लेके आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर आर स्क्वायर डी आर। ओके तो यहां से क्या बचेगा, देखो 4 बाय रो 0 ऐसा है ऐसे ही रहेगा, ये 5 बाय 4 हो जाएगा और ये आर स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3 और उसकी लिमिट आएगी 0 से आर। फिर यहां पे 1 अपॉन कैपिटल आर बचेगा और यहां पे बचेगा कितना, इंटीग्रेशन आर क्यूब, इंटीग्रेशन आर क्यूब होता है आर रेस टू 4 अपॉन 4 0 से आर। ओके तो ऐसी सिचुएशन में 4 पाई रो 0 ये 5 बाय 12 है और ये बचेगा क्या आर क्यूब 0 टू आर और यहां पे 4 आर बाहर ले जाओगे तो यहां पे आर रेस टू 4 आर और यहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है तो कुछ क्या करेंगे यहां पे, देखो 4 पाई रो 0 ये 5 बाय 12 आर क्यूब हो जाएगा फिर 1 अपॉन 4 बार और ये आर रेस टू 4 हो जाएगा। ठीक है बस ये आपका क्यू एनक्लोज्ड आपको मिल चुका है राइट। तो ये हो गया क्यू एनक्लोज्ड। अब क्या करना है मुझे, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम गॉस लॉ गॉस लॉ से क्या होता है, तो गॉस लॉ में पहले लिखेंगे ई फिर एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो अपनी फिगर में देखिए ये जो है अपना गॉसियन सरफेस है, कहां पे ये जो है दैट इज अवर गॉसियन सरफेस, तो इसकी रेडियस कितना है स्मॉल आर है तो एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर उसका एरिया कितना होता है तो उसका एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 तो ये जो है अपना क्यू एनक्लोज्ड है उसके नीचे एप्सिलॉन 0 लिखना पड़ेगा। तो यहां पे क्या आएगा 4 पाई रो 0 उसके नीचे एप्सिलॉन 0 ये 5 बाय 12 आर क्यूब और ये 1 अपॉन 4 आर यहां पे आर रेस टू 4 ठीक है 1 अपॉन 4 आर यहां पे आर रेस टू 4 बस। अब यहां पे जो भी कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कीजिए और देखते हैं क्या होता है। देखो 4 पाई चला जाएगा 4 पाई गॉन ये आर स्क्वायर को नीचे ले लेते हैं तो क्या आएगा रो 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा 5 बाय 12 आर क्यूब और यहां पे 1 अपॉन 4 आर आर रेस टू 4 तो ई आर स्क्वायर को अंदर ले जाओ चलो तो रो 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 5 बाय 12 आर स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर मिल जाएगा आर और यहां पे आर रेस टू 4 अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 आर हो जाएगा। तो जितना कॉमन निकल सकता है निकाल लो, 4 कॉमन निकल जाएगा नीचे से तो E का वैल्यू मिलेगा रो 0 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 ठीक है और ये 5 बाई 3 आर माइनस और यहां से आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, एक आर भी कॉमन निकलेगा, अरे यार आर भी कॉमन निकलता था ना चलो तो ये हो जाएगा रो 0 आर अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 5 बाई 3 स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर गाइस ठीक है। बस छोटा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको और यह समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे करना है। जब भी याद रखो सॉलिड स्फीयर के अंदर की तरफ चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट ना हो तो आपको बस यही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा हमेशा। जैसे तीन प्रॉब्लम थे ठीक है, वो तीनों तीन मैंने करवा दिए, उस तीन प्रॉब्लम को बारी बारी देखते रहो रिवाइज करते रहो अपने आप आपको आइडिया आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है देखते हैं। चलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है
और वो 1, 2, 4, 8 इनफाइनाइट ऐसी पोजीशन पे रखे हुए हैं। चलो मैं बताता हूं क्या है एग्जैक्टली। ये है वर्टिकल एक्सिस, यहां पे है ओरिजिन। अब यहां से इस तरफ एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ते जाइए, तो देखो यहां पे 1 मिलेगा, फिर यहां पे 2 मिलेगा, 3, फिर यहां पे 4 मिलेगा, 5, 6, 7, यहां पे 8 मिलेगा। ये जो एक्स एक्सिस है वो बेसिकली एक्स पोजीशन है मीटर में। ओके, तो हर जगह पे यहां पे क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ। यहां पे क्यू है, यहां पे क्यू है, फिर यहां पे क्यू, फिर यहां पे क्यू। ओके, और ये क्यू की जो वैल्यू है, मैं ऊपर लिखता हूं एकदम ऊपर, क्यू की जो वैल्यू है वो 1 माइक्रो कूलम है। क्यू की वैल्यू जो है वो 1 माइक्रो कूलम है। फिर यहां पे ओरिजिन पे ओके 1 कूलम चार्ज रखा है, मान लो इसको कैपिटल क्यू बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कैपिटल क्यू इज बेसिकली 1 कूलम है यहाँ पे, ठीक है। और हमको क्या करना है, इस कैपिटल क्यू पे बाकी सारे स्मॉल क्यू की वजह से जो फोर्स लगता है वो फोर्स निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू चार्ज ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है, सारे चार्जेस की वजह से इस कैपिटल क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। सो दैट फोर्स इज एफ। ओके, अब क्या करेंगे, देखो 1/4π ε₀, पहले चार सब में आएगा ये एक्चुअली। चलो आपको के वर्जन में ही लिखवाता हूं। चलो अब क्या करना पड़ेगा फोर्स को निकालने के लिए, तो कि पहला चार्ज जो है ना क्यू, उसकी वजह से फोर्स निकालेंगे, फिर दूसरे चार्ज की वजह से, फिर तीसरे चार्ज की वजह से, और सारे फोर्सेस को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब देखो ध्यान से, ये चार्ज जो है ना क्यू, स्मॉल क्यू, वो पॉजिटिव है, ये कैपिटल क्यू भी क्या है पॉजिटिव है। ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा, ये जो फोर्स लगेगा कैपिटल क्यू के पहले चार्ज की वजह से, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो पहले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, दूसरे चार्ज की वजह से भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तीसरे चार्ज की वजह से भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और मतलब सारे चार्जेस की वजह से ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो सारे फोर्स के वेक्टर को क्या करेंगे डायरेक्टली ऐड करेंगे, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इज द फाइनल आंसर, राइट। तो हमको यहाँ पे डायरेक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं, फोर्स बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चार्ज, फोर्स बिकॉज ऑफ द सेकेंड चार्ज, ऐसे करते करते आपको इनफाइनाइटली जाना है। अभी यहां पे चार चार्ज तक लेते हैं, फोर्स 3, फोर्स 4 एंड देन अप टू इनफाइनाइट। चलो तो पहले चार्ज की वजह से इस कैपिटल क्यू के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो कूलम लॉ अप्लाई करना है भाई। तो कूलम लॉ में क्या आएगा, देखो स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और डिस्टेंस का स्क्वायर, तो स्मॉल क्यू और पहले चार्ज के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 1। फिर दूसरे चार्ज और कैपिटल क्यू चार्ज के बीच में, दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज, डिस्टेंस कितना है वो क्यू और दूसरे चार्ज के बीच में 2 मीटर, तो 2 मीटर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 2 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा 4। फिर स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, और अब तीसरे चार्ज का डिस्टेंस कितना है, तो के 4 मीटर है, तो 4 मीटर का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। चौथे चार्ज के लिए स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, और ये 8 का क्या होगा, 64 हो जाएगा। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ यहां से अगर आप एफ को सॉरी के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को कॉमन निकाल लो, तो यहां पे बचेगा कुछ ऐसा 1/4, 1/16, 1/64 एंड सो ऑन। तो देखिए ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, तो क्या आप देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि ये दूसरी टर्म 1/4 है, पहली टर्म क्या है 1, तो दूसरी टर्म और पहली टर्म का रेशियो, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो क्या आएगा, 1/4 आएगा। फिर देखिए थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो, थर्ड टर्म क्या है 1/16 और सेकेंड टर्म क्या है, तो 1/4, इसका रेशियो लोगे तो भी क्या आएगा 1/4 आएगा। मतलब कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होती है
अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के रेशियो अगर सेम आते हैं तो ऐसी सीरीज जो होती है, ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी कहते हैं। और ऐसी सीरीज में अगर हमको सबका एडिशन करना है, देखो यहाँ पे हमको सबका एडिशन करना है, 1 + 1/4 + 1/6, इस सबका एडिशन करना है अप टू इनफाइनाइट, तो उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है। मैं फॉर्मूला डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं, उसका फॉर्मूला है a/(1 - r)। ये फॉर्मूला तभी जाके वैलिड है जब r क्या हो, लेस देन 1 हो। और अपने लिए r, ये r क्या होता है, तो r ये रेशियो होता है। रेशियो मतलब किसका रेशियो, तो जैसे सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म किया तो क्या आया, 1/4 आया। थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म किया तो क्या आया, 1/4 आया। तो ये 1/4 जो आता है दैट इज बेसिकली द रेशियो r। और ये 1/4 रेशियो जो है वो अपना क्या है, लेस देन 1 है। अगर 1/4 रेशियो मतलब कोई भी रेशियो अगर लेस देन 1 आता है तो हम ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आने वाली इनफाइनाइट टर्म का अगर मुझे एडिशन करना है तो ये एडिशन देखो उसका फॉर्मूला है डायरेक्टली a/(1 - r)। इसमें a क्या होता है, तो a होता है फर्स्ट टर्म। तो देखो अपनी फर्स्ट टर्म कितनी है, 1। और r होता है कितना, रेशियो, रेशियो कितना है, 1/4। तो आप इस पर्टिकुलर समेशन को 1 + 1/4 + 1/6 + 1/64 के समेशन को डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, 1/(1 - 1/4) लिख सकते हो। अब देखो वैल्यू डालता हूं, k की वैल्यू है 9 × 10⁻¹। स्मॉल q जो है वो 10⁻⁶ कूलम है। कैपिटल q है जो कि 1 है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 और नीचे क्या आएगा, 1 - 1/4 यानी 3/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 9। ये 10⁻³ क्या हो जाएगा, 3। 4 ऊपर चला गया, नीचे 3 आ गया। सो यहां से पता चल जाएगा कि f इज इक्वल टू 12 × 10⁻³ न्यूटन। ये उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ। चलो चार्ज प्लस क्यू है उसको फिक्स कर दिया गया। देखो यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, देखो मैं ले लेता हूं ये पोजीशन को x0, ये ट्वाइस x0 है, ये 3x0 है, ये 4x0 है, ये 5x0 है, ये 6x0 है, एंड सो ऑन। ओके, ये है ओरिजिन। यहां पे ऐसा बोल दिया गया है कि x0 पे q चार्ज है, फिर 3x0 पे q चार्ज है, फिर 5x0 पे q चार्ज है, और ये ऑड नंबर वाले पोजीशन पे q चार्ज है, और इवन नंबर वाली पोजीशन पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। और मुझे ये सारे चार्जेस की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओरिजिन पे, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ में आया पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरे चार्ज की वजह से, फिर तीसरे चार्ज की वजह से, और सारे चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, और सम अप करने से जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट इज अवर आंसर। तो क्या होगा देखते हैं, चलिए। तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चार्ज, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द सेकंड चार्ज, बिकॉज ऑफ थर्ड चार्ज, बिकॉज ऑफ फोर्थ चार्ज, बिकॉज ऑफ फिफ्थ चार्ज, बिकॉज ऑफ सिक्स्थ चार्ज, एंड सो ऑन। ओके, तो देखो अब नाम नंबर दे देते हैं यहाँ पे चार्जेस का। ये पहला चार्ज है, ये दूसरा है, ये तीसरा, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। ठीक है, तो चलो पहले चार्ज की वजह से ओरिजिन पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप देखिए पहला चार्ज और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स जीरो है, राइट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, k³r, तो k³ / x0। फिर दूसरे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, तो k, अब ये नेगेटिव चार्ज है, देखो जरा ध्यान से, ये q नहीं ले सकते अपने, नेगेटिव q लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव q चार्ज है, / 2x0। फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नीचे आएगा 3x0, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा,
नीचे आएगा 4x0, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्यू अपॉन 5x0, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा कि माइनस क्यू अपॉन 6x0 एंड सो ऑन। ऐसे चलता जाएगा कि नहीं, हर जगह से के क्यू अपॉन एक्स जीरो को कॉमन निकाल दो। चलो तो बचेगा क्या, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 + so on। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ना, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, ये वैल्यू एक्चुअली ये वैल्यू किसकी है, तो देखिए मैं यहां पे राइट हैंड साइड में आंसर लिख रहा हूं, ये अपना v है इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स जीरो और ये वैल्यू है log 2 की। ओके आप सोचोगे सर ये कैसे आया, आपको पता था रट्टा मार के आए हो। एक चीज आपको रट्टा मारनी पड़ेगी, देखो यहां पे log है 1 + x। ठीक है, log 1 + x का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, x - x² / 2 + x³/3 - x⁴/4 + x⁴/5/5 - x⁴/6/6 and so on। चलो मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की जगह पे 1 ले लूं, तो देखो यहां पे अगर मैं 1 ले लेता हूं इस जगह पे, तो x की वैल्यू 1 लेने से ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये log 2 आ गया। तो 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5 - 1/6 और ऐसे चलता जाएगा। ओके ऐसे ही वो चलता जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहां पे राइट हैंड साइड में अपने जो ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो वैल्यू, और यहां पे मैंने log 2 की जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू, वो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, यहां ध्यान रखना ये नेचुरल log नहीं होगा, log होगा। ओके सो इसका आंसर मिल चुका है, आई होप कि समझ में आया होगा। देखो log 1 + x का ये सीरीज है वो याद रखना है, sin x का भी सीरीज आता है, cos x का भी आता है, और e^x का भी सीरीज आता है। आपको फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये चार अलग अलग सीरीज की जरूरत पड़ेगी, और ये चारों सीरीज मैंने अपने मॉड्यूल में देके रखी हुई है। अपना मॉड्यूल आप जब देखोगे उसमें स्पेशली मैथमेटिक्स का एक पूरा चैप्टर हमने रखा हुआ है, उस मैथमेटिक्स के चैप्टर के अंदर मैंने ये चारों सीरीज को वहां पे इंडिकेट किया हुआ है। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि ये मैथमेटिक्स की जो चीज है उसको हमेशा अपने साथ रखो, हमेशा पास रखो। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आप जब प्रैक्टिस करते हो और सडनली आप रुक जाओ बिकॉज ऑफ सच मैथमेटिक्स, देन डेफिनेटली आपको अपने वो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है ना उस चैप्टर में से पूरा सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, क्योंकि वो पूरा चैप्टर लिखने के टाइम पे पूरा सिलेबस जो है उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी ये सिलेबस के बाहर के भी कॉम्पिटिशन के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स में जो भी मैथमेटिक्स आता है ना, वो मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए वो मैंने मॉड्यूल में चैप्टर बनाया हुआ है। तो टेक इट सीरियसली, उस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स को आप सीरियसली लो। ठीक है, ये ऐसे चैप्टर्स के लिए ही वो बनाया हुआ है, राइट। चलो अब इसका क्या करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। अब देखिए यहां पे क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉल है, वो सिल्क थ्रेड से लटकाया गया है। मान लो ये बॉल लटका दिया है हमने सिल्क के थ्रेड से, दिस इज सिल्क थ्रेड। ओके, और उस पर्टिकुलर बॉल पे वी पुट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। अच्छा ये बॉल जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लो। अब हम क्या करते हैं, इसके सामने यहां पे एक Q0 जितना चार्ज रखा जाता है, दिस इज जस्ट अ टेस्ट चार्ज। और ये क्यों रखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर्टिकुलर चार्ज स्फेरिकल बॉल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, दैट इज व्हाट आई वांट टू कैलकुलेट। मान लो ये स्फेरिकल बॉल से ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या है, आर डिस्टेंस है। तो स्फेरिकल बॉल से आर जितने डिस्टेंस पे पॉइंट जो है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर कैलकुलेशन करनी है,
तो वो कैलकुलेशन मुझे करनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां पे एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे और टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसे ही मुझे फोर्स मिल जाएगा, मैं फोर्स को क्या करूंगा, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूंगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके, वो क्या होगा, तो कि फोर्स अपॉन क्यू जीरो आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, देखो ध्यान से, जैसे ये क्यू जीरो भी पॉजिटिव चार्ज है और ये सारे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्यू जीरो के रखने की वजह से क्या होगा, एक्चुअली आप देखोगे कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन की वजह से बहुत सारे चार्जेस है ना इस पर्टिकुलर स्फेरिकल बॉल के ये लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और राइट हैंड साइड में बहुत ही कम चार्जेस बचेंगे एक्चुअली, ये बेसिकली रिपल्जन इफेक्ट की वजह से। और यहाँ पे अभी अपना क्यू चार्ज क्यू जीरो चार्ज है। अब ये क्यू जीरो चार्ज के ऊपर लगने वाला जो भी फोर्स होगा, वो मेजोरिटी ऑफ द फोर्सेस इस सरफेस पे जो चार्ज होगा ना उसकी वजह से लगेगा। और आप समझ सकते हो कि सरफेस पे चार्ज की क्वांटिटी क्या हो चुकी है, थोड़ी गड़बड़ आ गई है। मतलब यहाँ पे पहले जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, अब वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है और चार्ज कम हो चुका है उसके फ्रंट सरफेस पे। तो फ्रंट सरफेस के चार्जेस की वजह से इस क्यू जीरो पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। और इसकी वजह से अपना जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो होना चाहिए होना चाहिए, उससे क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। अब आप सोचो इसके पर्टिकुलर बारे में, ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, ये बेसिकली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्लाइटली क्या होगा, बड़ा होगा, स्लाइटली बड़ा होगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन एफ अपॉन क्यू जीरो। देखो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा अधूरा छोड़ता हूं, ठीक है। ये ग्रेटर देन क्यों आया, उसका आंसर ऑलमोस्ट मैंने दे दिया है, अगर आपको इंटरप्रिट पर्टिकुलर आपने इस यहाँ पे कर लिया है तो, ठीक है। अब ऑलमोस्ट मैंने परफेक्ट आंसर दे दिया है, लेकिन एकदम परफेक्शन के साथ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, और वो जानबूझ के मैं इस पर्टिकुलर चीज को आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन इस लेक्चर के बाद आप शांति से सोचिएगा और मुझे बताइएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर आंसर फ्रॉम यू पीपल। इसके लिए जो भी जरूरत थी वो चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, राइट। देखते हैं आगे, चलिए। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये एक रिंग है हमारे पास, और ये रिंग जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है और इस रिंग की एक्सिस पे एक्स जितने डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रख दिया है। मैंने आपको समझाने के लिए मैं एक्स थोड़ा सा बड़ा बता रहा हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ बात ऐसी है कि दिस रिंग इज वेरी लार्ज, मतलब ये इसका जो रिंग का रेडियस है ना, दिस रेडियस ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट एक्स, यहां पे ऐसी कंडीशन है। देखिए आप क्वेश्चन में ये कंडीशन को देख सकते हो, क्वेश्चन में आप ये कंडीशन को देख सकते हो, ठीक है। एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए लिखा हुआ है, ये जो रेडियस है दैट रेडियस इज ए। चलो अब क्या करना है, तो मुझे फाइंड करना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड मुझे निकालना है। तो उस पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा क्यों। तो आप देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये सारा रिंग पॉजिटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ओके। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा इस सेंटर की तरफ, बढ़ता गया यहाँ पे आया, यहाँ, तो सेंटर की तरफ आते आते वो फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये फोर्स की जो वैल्यू होगी वो सेंटर पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी सेंटर पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और ये इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, दूसरे एंड तक चलने की कोशिश करेगा, इट विल मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जैसे ही मूव करता है क्या होगा, फिर यहां पे
क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, इसलिए उसकी जो स्पीड है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। वो मूव तो करेगा इसी तरफ, लेकिन उसकी स्पीड रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और फाइनली एक सर्टन डिस्टेंस पे आके वो रुक जाएगा। फिर से वो क्या करेगा, अपनी मोशन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शुरू करेगा और फिर वो स्पीड बढ़ाता जाएगा, सेंटर पे आएगा तो फिर से उसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर से वो राइट हैंड साइड में जाएगा और जैसे इस तरफ जाता है उसकी स्पीड कम होती जाएगी और वो फाइनली कहीं पे रुक जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का ये आगे पीछे वाला मोशन चलता ही रहेगा और इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमको यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करनी है। चलो कैसे करते हैं टाइम पीरियड की कैलकुलेशन, तो यहाँ पे मैं फोर्स निकालता हूं इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ दिस रिंग। तो देखो द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग वो क्या होगा, फोर्स एफ होगा और वो ई इंटू ई होगा। अगर वेक्टर की साइन के साथ, चलो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग एन इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव, तो ई और ई होगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू की वैल्यू होगी माइनस ई। तो यहां पर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस एट डिस्टेंस एक्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैलकुलेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी, 1/4πε0 qx अपॉन x² + a² raised to 3/2। ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन की थी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था रिंग का और वो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ये था अगर इस रिंग पे कैपिटल क्यू चार्ज है तो। अब मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, देखो एज x इज वेरी वेरी लेस देन a, आई कैन जस्ट से दैट कि x² + a² की जो वैल्यू हो जाएगी वो a² के बराबर हो जाएगी और वो जब a² के बराबर हो जाएगी तो f क्या आएगा, माइनस e 1/4πε0 qx आएगा और नीचे क्या होगा, देखो नीचे सिर्फ a² आएगा और उसके क्यूब की बात है यहां पे। तो फाइनली यहां पे मुझे कुछ फोर्स मिला, तो वो फोर्स मैं लिख रहा हूं, E आएगा, Q आएगा, 4πε0 आएगा और a² raised to 3/2 करोगे तो a क्यूब भी आ जाएगा, राइट। सो E कैपिटल Q 4πε0 a क्यूब, ये ब्रैकेट में लिखता हूं, माइनस की साइन बाहर है और यहां पे आ जाएगा x। तो आप देखिए ये f इज इक्वल टू के एक्स वाला फॉर्मूला हो गया, सो देयरफॉर f इज इक्वल टू के एक्स वेयर ये क्या होगा, eq अपॉन 4πε0 a क्यूब आएगा, 4πε0 a क्यूब आएगा एंड देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि जिसको हम कहते हैं m ओमेगा स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू eq अपॉन 4πε0 a क्यूब। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर जो है उसका वैल्यू कुछ ऐसा होगा, 4πε0 m a क्यूब और यहां से मुझे 2π/t मिलेगा और वो क्या मिलेगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी eq अपॉन 4πε0 m a क्यूब और बस यहां से t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो कि 2π√4πε0 m a क्यूब अपॉन eq, m a क्यूब अपॉन eq एंड दैट्स बेसिकली टाइम पीरियड। समझ में आया कि नहीं आया, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जो टाइम पीरियड होगा वो यहां पे आएगा। यू कैन सी कि इस टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी क्वांटिटी आती है वो सारी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है भाई, सारी क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब ये टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होगा, राइट। सो आई होप कि परफेक्टली समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना उसका आंसर इंटरेस्टिंग है। आप सोचोगे सर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है या आंसर,
तो इसका आंसर भी इंटरेस्टिंग है। देखो क्वेश्चन तो इंटरेस्टिंग होता ही है, लेकिन आंसर का आंसर यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल आंसर होगा, मतलब देखो क्या है, आंसर लाने के बाद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो मेरे पास दो स्फीयर है, दो कॉपर के स्फीयर है, एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। ये पहला स्फीयर और दूसरा स्फीयर, दोनों स्फीयर के बीच का जो गैप है ना वो 1 मीटर है, इसका मास है 1 ग्राम और इसका भी मास क्या है 1 ग्राम है। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्फीयर्स आर 1% लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन 1% ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन 1% कम है। तो सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये 1% कितना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे ये 1% कितना होता है। तो देखिए आइए हम देखते हैं 1% कितना होता है। तो मैं सिर्फ एक एटम की बात कर रहा हूं, फॉर सिंगल कॉपर एटम, ठीक है, फॉर सिंगल कॉपर एटम। चलो सिंगल कॉपर एटम के लिए क्या, तो सिंगल कॉपर एटम के लिए चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑन बेसिकली प्रोटॉन्स, तो वो होगा 29e, ओके 29e, एंड देयरफॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा भाई, वो भी 29e, लेकिन ये क्या होगा नेगेटिव और ये वाला होगा पॉजिटिव, और ये दोनों मिलके टोटल चार्ज को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे और अपना कॉपर एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। चलो अब हम क्या कहते हैं, यहां पे बोला है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1% लेस, तो ड्यू टू 1% लेस इलेक्ट्रॉन्स, ओके चार्ज ऑन कॉपर एटम कितना हो जाएगा, तो ये 0.29e हो जाएगा। आप सोचोगे ये कैसे आ गया 0.29e, तो ये 0.29e एक्चुअली 29e का 1%, 1% मतलब 1/100%, ठीक है, करोगे आप तो ये 0.29e मिलेगा। अब आप सोचोगे सर आपने तो कॉपर एटम के ऊपर चार्ज बोल दिया, तो मैं बोलूंगा हाँ मैंने कॉपर एटम पे चार्ज बोल दिया, अगर इस कॉपर एटम पे क्यों चार्ज है और इस कॉपर एटम पे भी क्यों चार्ज है और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का 1 मीटर है और हियर क्यों क्या होगा, तो के 0.29e हो जाएगा। आप सोचोगे सर कैसे आ गया ये, तो देखो हमने पहले इसके ऐसा देखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मटेरियल है उसके अंदर मान लो 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, टेक्निकली ये मटेरियल क्या है न्यूट्रल है। चलो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं, ठीक है एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से निकाल दिया, तो इसके ऊपर इफेक्टिव चार्ज अब कितना बाकी रहा, देखो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो एक पॉजिटिव जितना चार्ज इफेक्टिव बाकी रहा। मैंने ये आपको सिखाया था कि कोई भी न्यूट्रल मटेरियल में से जितना नेगेटिव चार्ज निकालोगे उतना ही नेगेटिव चार्ज वहां पे डिपॉजिट रहेगा, मतलब -1 कूलम निकाला अगर आपने तो डिपॉजिट कितना रहेगा +1 कूलम रहेगा, -e निकाला तो +e रहेगा, अपने केस में -0.29e जितना चार्ज निकाल दिया, ठीक है 1% मतलब -0.29e, जितना इलेक्ट्रॉन कम है मतलब उतना चार्ज हमने क्या कर दिया निकाल दिया, तो वहां पे बचेगा कितना, तो के 0.29e जितना चार्ज वहां पे बचेगा किसके ऊपर, तो के कॉपर के सिंगल एटम के ऊपर, सिंगल एटम की बात कर रहा हूं, ठीक है मैंने यहां सिंगल एटम के ऊपर, लेकिन हमको पहले काउंट करना पड़ेगा कि यहां पे टोटल कॉपर के एटम कितने हैं, ठीक है मुझे काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो सिंगल एटम का चार्ज आया, लेकिन अपने यहां पे कॉपर कितना दिया हुआ है 1 ग्राम कॉपर दिया हुआ है,
तो अभी मुझे सबसे पहले ये काउंट करना पड़ेगा कि 1 ग्राम कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो उसके लिए मुझे 1 ग्राम कॉपर में कितने एटम है वो निकालने पड़ेंगे, और उसके लिए मैं कौन सा कंसेप्ट यूज करूंगा, मोल कंसेप्ट यूज करूंगा। तो देखो हम बोल सकते हैं इन कॉपर 63.54 ग्राम अगर लेते हैं तो उसके अंदर 6.023 × 10^23 यानी 1 मोल एटम्स होते हैं, राइट। तो अपने 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑन कॉपर स्फीयर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑन कॉपर स्फीयर इज इक्वल टू 6.023 × 10^23 डिवाइडेड बाय 63.54 आ जाएगा। इतने एटम्स मिलेंगे आपको, अभी कैलकुलेशन अभी मत करो, ठीक है, ये एटम्स मिलेंगे आपको इतने। अब हमको पता है कि पर एटम 0.29 E जितना चार्ज है, एंड देयरफॉर चार्ज ऑन ईच कॉपर स्फीयर क्यू वो कितना होगा, 0.29 E मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स होगा कि नहीं होगा, क्यों ऐसा होगा भाई, एक एटम पे 0.29 E जितना चार्ज है तो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे वो काउंट कर लो, तो यहां से आपको मिलेगा कुछ ऐसा 0.29 E, ये हो जाएगा 6.023 × 10^23 / 63.54। अब यहां से आपका काम है, देखो यहां से Q की वैल्यू को कैलकुलेट करो, ठीक है, Q की वैल्यू आएगी सर्टन कूलम। फिर हमको क्या करना है, दोनों इस 1 ग्राम वाले ब्लॉक के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है, तो यहां पे फोर्स क्या होगा, तो के Q × Q/R² यानी 1 का स्क्वायर। सो यहां पे फोर्स की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी के यानी 9 × 10^9, फिर आएगा Q² बस खत्म। और Q आप यहां से अगर आप जो भी निकाला है वो आपको यहां पे क्या करना है, रख देना है, ठीक है, और रखने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल वैल्यू ऑफ द फोर्स निकालना है न्यूटन में। और अब मैं बोलता हूं, आप सोचोगे सर आप बोल रहे थे कि आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है इसका, इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग क्या है, तो ये इंटरेस्टिंग आपको तब दिखाई देगा जब ये आप आंसर कैलकुलेट करोगे। मैं बोल देता हूं, चलो सीक्रेट नहीं रखता हूं, मिस्ट्री नहीं क्रिएट करता हूं, ये जब आंसर आएगा ना यू विल सी कि ये आंसर 10^15 न्यूटन के ऑर्डर में आएगा। ये आंसर किसके ऑर्डर में आएगा, 10^15 न्यूटन के ऑर्डर में, और 10^15 न्यूटन जो है ना वो छोटा मोटा फोर्स नहीं होता भाई, ये जो फोर्स होता है ना वो छोटा मोटा फोर्स नहीं होता, ये बहुत बड़ा बहुत लार्ज फोर्स होता है। तो आप समझो जरा कि 1 ग्राम का कॉपर, आप 1 ग्राम जस्ट इमेजिन करो क्या वजन है उसका, ठीक है, वो 1 ग्राम का छोटा सा कॉपर का एक टुकड़ा, दूसरा भी ऐसा ही 1 ग्राम का टुकड़ा, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ पे देखने में 1 मीटर छोटा लगता है लेकिन रियलिटी में 1 मीटर बहुत बड़ा होता है। आप अपने शोल्डर से एक हाथ को खुला कर दो ऐसे, ठीक है, पूरा खुला कर दो ऐसे, और फिर शोल्डर से, ठीक है, चलो यहां पे मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूं। देखो आप क्या करो, ये शोल्डर है मेरा और ये मैंने हाथ क्या कर दिया, खुला कर दिया, एकदम खुला कर दिया ऐसे, ठीक है। अब इस शोल्डर से ये पूरा हाथ कितना लंबा होता है, उतना डिस्टेंस होता है 1 मीटर, ठीक है, उतना डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर होता है गाइस, और वो इतना बड़ा डिस्टेंस और एक छोटा सा 1 ग्राम जितना कॉपर, ओके, अब सोचो इतना बड़ा डिस्टेंस छोटा सा कॉपर, और हुआ क्या, अब हुआ क्या, तो कि दोनों में सिर्फ 1% डिफरेंस है, एक्चुअली न्यूट्रल एटम होता है उसमें जितने प्रोटोन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो क्या करते हैं एटम को स्टेशनरी सॉरी न्यूट्रल बनाते हैं, ठीक है, वो एटम को क्या करते हैं न्यूट्रल बनाते हैं। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने कितना इंबैलेंस किया, तो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस के बीच में सिर्फ 1% का इंबैलेंस किया, सिर्फ 1% का, वो एकदम नेग्लिजिबल जितनी बात है 100% के कंपेयर में। एंड सी, दो इतने छोटा मास, छोटा चार्ज और डिस्टेंस बहुत बड़ा है 1 मीटर का इन चार्ज की साइज की कंपेयर में, एंड स्टिल इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो 10^15 न्यूटन का इतना बड़ा
फोर्स मिलेगा आपको। अब सोचो जरा, आपका मास अगर वहां पे होता तो क्या होता। चलो मैं और मेरा कोई फ्रेंड, ठीक है, हम दोनों वॉक कर रहे हैं गार्डन में, अभी तो टाइम नहीं है ऐसा, लेकिन गार्डन में वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और सडनली मेरा मास 70 किलोग्राम के आसपास है, मान लो उसका भी मास 70 किलोग्राम के आसपास है, ठीक है, और हम दोनों में सिर्फ 1% चेंज हो जाए प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर में, अब सोचो क्या होगा। और हमारा डिस्टेंस 1 मीटर भी नहीं, हम दोनों साथ साथ में वॉक कर रहे हैं, तो मतलब हम दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर से तो कम है थोड़ा सा, चलो मान भी लेते हैं 1 मीटर जितना डिस्टेंस है, लेकिन अगर 1 ग्राम जितने छोटे स्फीयर के बीच में 10^15 न्यूटन का इतना बड़ा फोर्स अगर लग सकता है, तो मेरा और मेरे फ्रेंड के बीच में लगने वाला फोर्स कितना बड़ा होगा। और अगर इतने बड़े फोर्स से अगर हम दोनों एक दूसरे से रिपेल हो जाए, ठीक है, तो वो रिपल्जन से एक दूसरे को बहुत दूर, बहुत ही दूर एक दूसरे को क्या करेंगे, फेंक देंगे। अगर एक दूसरे के साथ उतने ही फोर्स से अगर मान लो टकराए ना, तो जिंदा नहीं बचेंगे भाई। तो इतना बड़ा फोर्स जनरेट होता है, मतलब थैंक गॉड क्या कि मैं इस रूम में बैठा हूं, मेरे आजू बाजू दीवार है और ये दीवार सारी न्यूट्रल है, और वो दीवार में अगर 1% भी चेंज आ जाए ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो मेरा और दीवार के बीच में लगने वाले फोर्स की वजह से मैं इतनी जोर से दीवार के साथ टकराऊंगा ना, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। समझ में आया? तो थैंक गॉड के आजू बाजू जो भी हमारे पास है वो सब न्यूट्रल है। समझ में आया? वो न्यूट्रल है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो इम्बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर क्या करते हैं, समझ में आया इतना चीज भाई सबको? परफेक्टली आइडिया आ गया कि नहीं आ गया यहां पे? तो इसका कैलकुलेशन अभी आपको करना है। चलो आगे मैं बढ़ता हूं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, ये आईआईटी वाला क्वेश्चन है, ओके? देखो यहां पे सुनना शांति से क्या है। मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, फिगर ड्रॉ करने के बाद उस फिगर को फिर से मिटा दूंगा। चलो मिटा नहीं दूंगा, ड्रॉ ही रखूंगा उस फिगर को। चलो ये एक सिलेंडर है, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन मुझे डिफिकल्टी में मिले हैं, हाँ, मतलब जो लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं घर पे बैठ के, एंड दे आर जेन्युइनली डूइंग गुड जॉब। एक्चुअली आपको अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, ओके? बहुत सारे ट्यूशन के ट्रैवलिंग वाला टाइम अभी आपका बच जाता होगा, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में। तो जो लोग अभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं वो डिफिकल्टी जनरेट करेंगे ही करेंगे, और वो डिफिकल्टी मुझे भेज रहे हैं। और कोई छोटी मोटी डिफिकल्टी है तो मैं बता देता हूं, और कुछ ऐसी डिफिकल्टी है जो मुझे ऐसा लगता है कि सबको बतानी चाहिए, तो आई एम जस्ट शोइंग हियर एक्चुअली। तो यहां पे एक सिलेंडर है, देखो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज डेंसिटी है रो, मतलब ये फुल्ली चार्ज सिलेंडर है, उसके अंदर चार्ज डेंसिटी जो है ना वो कितनी है, रो है। लेकिन इस फिर सिलेंडर के अंदर एक कैविटी है, कितनी कैविटी है देखो, इतनी सी कैविटी है। कैविटी का मतलब यह है कि यहां पे सिलेंडर हॉलो है, बीच से बीच वाला एक रीजन है ना वो खाली है, मतलब परफेक्ट सिलेंडर नहीं है, बीच में खाली जगह है, वहां से किसी ने सिलेंडर वाले स्फेरिकल पार्ट को क्या कट करके बाहर रख दिया है। तो मतलब ये जो मान लो सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस सिलेंडर पे कितनी कितनी जगह पे होगा। तो देखो मैं पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूं कि सिलेंडर में कौन कौन सी जगह पे पॉजिटिव चार्ज आपको मिलेगा, इतनी जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन उस जो कैविटी है ना उसके अंदर कुछ नहीं, कैविटी मतलब छोटा सा होल, बराबर अपने वो बच्चों की लैंग्वेज में कहानियों में आता था ना वर्ड बखोल, ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, छोटा सा होल जहां पे कुछ नहीं है, काट लिया है हमने, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रूम में बैठा हूं, तो आई एम विद इन द कैविटी ऑफ अ रूम, ठीक है। आप भी अगर इस पर्टिकुलर लेक्चर को स्टडी कर रहे हो अपने घर पे बैठ के, तो यू आर विद इन द कैविटी ऑफ योर होम, ऐसा बोल सकते हो आप। तो ये कैविटी में पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब ऐसा आपके पास सिलेंडर है, और ऐसे सिलेंडर की वजह से ये आर डिस्टेंस और ये दूसरा आर डिस्टेंस,
यहाँ पे इस पॉइंट पी पे जो इस कैविटी से स्फेरिकल कैविटी के सेंटर से 2r जितने डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। इतना काम मुझे करना है। तो ये काम मैं कैसे करूंगा? तो देखो, मैं कुछ ऐसा करूंगा, यहां पे ध्यान से देखना है। पूरे क्वेश्चन का आंसर है ना, वो यहां पे आ जाता है। इस लॉजिक को आप समझ लो, अपने आप पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये एक छोटा सा जो अपना कैविटी है ना, मैं उसको बाहर ड्रॉ करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं। हालांकि आप जानते हो कि पूरे सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ओके? लेकिन मैं एक सिलेंडर लेता हूं जिसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ये जो सिलेंडर लिया ना मैंने, ये वाला सिलेंडर, ये सिलेंडर जो है वो आइडेंटिकल है पहले वाले अपने सिलेंडर के साथ। लेकिन फर्क क्या है, पहले वाला सिलेंडर है वो कैविटी वाला है, और ये सिलेंडर जो है वो कैविटी वाला नहीं है। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम मतलब चार्ज डेंसिटी जो है वो भी सेम, ओके? अब चलो ये कैविटी की बात करते हैं। मैंने कैविटी क्या कर दिया है, पकड़ के बाहर रख दी है। अब मैं कैविटी के अंदर मैं एज्यूम करता हूं, चलो यहां पे नेगेटिव चार्ज है अंदर की तरफ, और वो भी कितनी डेंसिटी वाला, रो जितनी डेंसिटी वाला। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, कितनी डेंसिटी वाला, रो डेंसिटी वाला। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों का एडिशन करता हूं तो क्या होगा? डोंट यू थिंक कि मुझे एक ऐसा सिलेंडर मिलेगा जिस सिलेंडर में एक कैविटी होगी? देखो यहां पे इमेजिन करो एक कैविटी, लेकिन इस कैविटी के अंदर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये कैविटी का पॉजिटिव चार्ज और ये कैविटी का नेगेटिव चार्ज मिलके न्यूट्रल बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी और बाकी की जगह पे क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, है कि नहीं? तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले इस सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, फिर इस स्फेरिकल कैविटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालूंगा, और फिर क्या करूंगा, E1 और E2 का वेक्टर सम कर दूंगा, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। समझ में आया मेरा अप्रोच क्या है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो इस अप्रोच को लेकर मैं इस यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। चलो अभी यहां पे मैं खुद हट जाता हूं ऐसी कोई जगह पे जहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो दिस इज द प्लेस वेयर आई एम जस्ट देयर। अभी ये जगह पूरी मुझे मिल चुकी है सॉल्व करने के लिए। चलिए फिर क्या करते हैं, E1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? कैसे कर पाएंगे E1 वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले कैलकुलेट? तो पहले E1 निकालने की कोशिश में देखिए, मैं कलर बदल देता हूं यहां पे। यहां पे देखो ये है अपना ओरिजिनल सिलेंडर, ठीक है, ये है अपना ओरिजिनल सिलेंडर जिसके सेंटर से मैं पहला वाला केस ले रहा हूं, जिसके सेंटर से 2r जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 कैलकुलेट करना है। और उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो यहां पे, उसके लिए मैं यहां पे एक गॉशियन सरफेस लेता हूं। कैसा गॉशियन सरफेस लेता हूं, तो क्या सिलिंड्रिकल, देखो मैंने सिलिंड्रिकल गॉशियन सरफेस यहां पे लिया, ये है सिलिंड्रिकल गॉशियन सरफेस, ठीक है, और इस ये जो मैं स्फीयर बना रहा हूं यहां पे, सॉरी ये क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, दैट क्रॉस सेक्शन इज बेसिकली अ सिलेंडर क्रॉस सेक्शन विच इज अ पार्ट ऑफ दिस सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, राइट? ये कुछ ऐसे है, अब ये क्यों बता रहा हूं समझना ध्यान से। मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉशियन सरफेस लेने के बाद, गॉशियन सरफेस लेने के बाद मुझे करना पड़ेगा कि गॉशियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है,
ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं आया। देखो मैं चार्ज कितना है वो ढूंढना है, तो चार्ज को ढूंढने के लिए क्या करते हैं, देखो थोड़ा सा लंबा सिलेंडर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ये लंबा वाला सिलेंडर मेरा, ओके, और मैं यहां पे ये पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी में से पास होने वाला एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं। ये जो है वो कुछ ऐसे होगा, जरा देखो ध्यान से, ये 2R डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आई विल जस्ट कंसीडर अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट पी। तो ये हो गया गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल शेप का, जो पी में से क्या होता है, पास होता है। तो चलो अब ये है सिलेंडर की हाइट एच है, गॉसियन सरफेस की हाइट एच है, और उसकी रेडियस कितनी है, 2R है, ठीक है। तो फॉर दिस गॉसियन सरफेस हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो एच है, और रेडियस जो है वो कितनी है, 2R है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, चार्ज एंक्लोज्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो चार्ज एंक्लोज्ड हियर, चार्ज एंक्लोज्ड क्यू एंक्लोज्ड कितना आएगा, तो देखो पहले तो चार्ज एंक्लोज्ड कहां पे होगा, तो कि वो इतने सिलेंडर के रीजन में होगा, इसके बाहर नहीं होगा। दैट चार्ज लाइज इन दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली, और ये रीजन की रेडियस कितनी है, देखो ये रीजन की रेडियस है आर, और इस रीजन में चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो कि इस रीजन में चार्ज डेंसिटी है रो। तो क्या करेंगे, इतने से रीजन में चार्ज अगर ढूंढना है तो चार्ज डेंसिटी इनटू क्या करना पड़ेगा, तो कि जितने सिलेंडर के अंदर अपना क्या है चार्ज है उतना सिलेंडर कंसिडर करो। तो देखो इतना सिलेंडर है जिसके अंदर हमारा चार्ज है, और मुझे वो सिलेंडर कंसिडर करना है कि जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाता हो। गॉसियन सरफेस के बाहर अगर कोई सिलेंडर है तो दैट शुड नॉट बी काउंटेड, राइट, मतलब ये जो रीजन है और ये रीजन काउंट नहीं करेंगे। मैं सिर्फ कलर बदल देता हूं, देखो यहां पे समझ में आ जाएगा, ये रीजन काउंट करना है, दिस इज द रीजन इन विच वी वांट टू कैलकुलेट द चार्ज। तो ये रेड पार्ट वाला जो सिलिंड्रिकल रीजन है, उस सिलिंड्रिकल रीजन का वॉल्यूम मुझे लेना पड़ेगा, और आप बताइए चलो उस सिलिंड्रिकल रीजन का वॉल्यूम कितना होगा, तो कि ये रेडियस आर का सिलेंडर है और हाइट कितनी उसकी एच है, तो पाई आर स्क्वायर और एच करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर अप्लाइंग गॉस लॉ, देखो अगर मैं गॉस लॉ यहां पे अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, तो गॉस लॉ में सबसे पहले ई वन आएगा, क्योंकि हम यहां पे ई वन कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर गॉसियन सरफेस का एरिया, तो गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का एरिया होता है 2πRh, तो 2π, ठीक है, आर की जगह पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, सिलेंडर का रेडियस है 2R और H लेना पड़ेगा, और यहां पे Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, E1 is equal to E1 into 4π capital RH, Q enclosed by epsilon 0 मतलब rho by epsilon 0 pi R square और H, और यहां से E1 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो pi pi चला जाएगा, H चला जाएगा, R चला जाएगा, बचेगा कितना, रो R बचेगा, और यहाँ पे 4 एप्सिलॉन 0 बचेगा। तो ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया भाई हमारा, किसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया भाई, तो मान लिया मैंने कि अगर वो कैविटी नहीं है, सिलेंडर के अंदर कैविटी ना हो और पूरा सिलेंडर पॉजिटिवली चार्ज हो, तो ऐसे सिलेंडर की वजह से सिलेंडर से 2R जितने डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है, उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो छोटू जो स्फीयर है ना छोटा, उस स्फीयर की वजह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए देखो यहां पे क्या है, मैं थोड़ा शिफ्ट हो जाता हूं, देखो ये अपना छोटू स्फीयर है जिसमें मैंने एज्यूम किया है कि ये सारा नेगेटिव चार्ज है यहां पे, और इसका रेडियस कितना है भाई, R/2 रेडियस है,
अब इससे इससे कितने डिस्टेंस पे, 2R जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, और मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट P पे क्या करना है, क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 निकालनी है। तो बस वही काम करेंगे। यहां पे भी हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। देखिए ये है गॉसियन सरफेस, ओके। मैं पूरा स्फीयर दिखाता नहीं हूं, ठीक है, इतना ही स्फीयर काफी है, लेकिन ये समझ लेना ये पूरा स्फीयर है, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस है हमारे पास, ये है गॉसियन सरफेस, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो गॉसियन सरफेस की रेडियस है 2R, ठीक है। और अब चार्ज एंक्लोज्ड कहां पे है, तो कि चार्ज एंक्लोज्ड यहां पे है। तो हम पहले क्या करते हैं, चार्ज एंक्लोज को कैलकुलेट करते हैं। तो चार्ज एंक्लोज मतलब डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी किसकी है, ये चार्ज डेंसिटी रो, और वॉल्यूम किसका लेंगे, तो कि जितने स्फीयर के अंदर चार्ज है, तो 4/3 π r/2 जितना रेडियस वाला जो स्फीयर है ना उसके ऊपर चार्ज है। तो क्या करेंगे, देखो अब क्यू एंक्लोज्ड इज इक्वल टू 4 बाय क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, रो आ जाएगा, और ये r² / 4 हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्यू एंक्लोज क्या मिलेगा, 1/3 π r² मिल जाएगा, 1/3 π r² मिल जाएगा। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड, समझ में आया कि नहीं आया भाई। चलो अभी इतना समझ में आ चुका है, तो अब हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। देयरफॉर अप्लाइंग गॉस लॉ, चलो अप्लाइंग गॉस लॉ मुझे क्या मिलेगा, तो अप्लाइंग गॉस लॉ ई होगा। फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो देखिए गॉसियन सरफेस की रेडियस है 2R, तो उसका एरिया क्या होगा, 4π 2R² देखो ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया होता है 4π r², लेकिन रेडियस यहां पे कितनी है, 2R है। फिर क्यू एंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो करना पड़ेगा, तो देखो ई ये क्या हो जाएगा, 16π r² आ जाएगा, 16π r² आ जाएगा यहां पे, ओके। चलो इतना क्लियर हो गया। और यहां पे क्यू एंक्लोज कितना है भाई, 1/3 π r² और यहां पे 1/ε₀ है, राइट, 1/ε₀ है। देखना यहां पे कोई भी छोटी मोटी कैलकुलेशन में गलती ना हो, ये गलती हो गई तो ये आपका आंसर पूरा गलत हो सकता है। हमने क्या किया, फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। देखो हमने, हमारे पास एक छोटू स्फीयर है, ठीक है, छोटू स्फीयर के ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो कि छोटू स्फीयर के ऊपर चार्ज डेंसिटी है रो, ओके, चार्ज डेंसिटी है रो। अभी क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा अगर चार्ज निकालना है तो। अच्छा देखो वॉल्यूम, अपने गलती की है, देखो गलती क्या है, वॉल्यूम के लिए यहाँ पे आता है क्यूब, तो यहाँ पे आर क्यूब होगा, नीचे 8 आ जाएगा, अगर आर क्यूब के नीचे 8 आ जाएगा तो ये हो जाएगा नीचे 6, और यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब, ठीक है, ये हो जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब। चलो इतना चेंज हो चुका है, देखो रिव्यू किया ना तो पता चल गया, ठीक है, अगर रिव्यू नहीं किया होता तो पता नहीं चलता, कभी कभी ये रिव्यू कर देना अच्छी बात होती है। तो देखो यहाँ पे 1/6 और यहाँ पे क्या आया, आर क्यूब। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो ध्यान से, ये 16 6 96 ε₀ नीचे आ जाएगा, रो पाई पाई कैंसिल, बचेगा यहाँ पे रो आर अपॉन 96 ε₀ बचेगा, ये आ जाएगा E2। अब चलो वापस आते हैं, अब ओरिजिनल सिचुएशन को देखते, वापस नहीं आते बट ओरिजिनल सिचुएशन को मैं यहीं पे दिखा देता हूं। ओरिजिनल सिचुएशन ऐसी है कि ये अपना सिलेंडर है और इस सिलेंडर के सेंटर से 2R जितने डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। अब क्या किया, पूरे सिलेंडर की वजह से जो इलेक्ट्रिक, पूरा सिलेंडर पॉजिटिवली चार्ज था, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना E1, वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये छोटू जो स्फीयर था वो नेगेटिवली चार्ज था, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, तो E2 अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। किसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो कि E1 की अपोजिट डायरेक्शन में। एंड देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P क्या मिलेगा, तो कि E नेट होगा E1 - E2। तो E1 कितना है, तो कि रो आर अपॉन 4 ε₀ है,
और ये कितना है रो आर अपॉन 96 एप्सिलॉन जीरो है, तो यहां पे रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन जीरो कॉमन निकालो तो बचेगा क्या अंदर 1 माइनस 1 बाय 24 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन जीरो 23 बाय 24 हो जाएगा ये, राइट। लेकिन अब क्वेश्चन में देखो, मैं क्वेश्चन में वापस जाता हूं, देखो क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी बोल दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिलता है 23 रो आर अपॉन 16 के एप्सिलॉन जीरो, तो मतलब अपने क्वेश्चन में ही दे दिया है कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है 23 रो आर अपॉन 16 के एप्सिलॉन जीरो। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा देखते हैं, चलिए। तो ऊपर न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा, राइट हैंड साइड में नीचे होगा 4 एप्सिलॉन जीरो और 24 और लेफ्ट हैंड साइड में 16 के एप्सिलॉन जीरो बचा, ठीक है। तो क्या होगा देखो, एप्सिलॉन जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 और 16 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसके ऊपर से 24 इज इक्वल टू 4K मिलेगा, और इसका मतलब है कि K की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये हमारा आंसर है भाई। देखो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, देखो लास्ट ऑप्शन ए 6 इज द आंसर। आई होप कि ये परफेक्टली आइडिया ये समझ में आया, यहाँ पे मैंने कौन सा अप्रोच अप्लाई किया। ये अप्रोच देखो यूजुअली याद नहीं आता है, इसलिए तो ये IIT का प्रॉब्लम है। आपने अब आज का देखा कि ऐसा हो सकता है, तो अभी ऐसा कोई दूसरा प्रॉब्लम आएगा तो अपना दिमाग आप लगा सकते हो कि कैसे करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद का प्रॉब्लम देखते हैं, अभी उसके बाद का प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद के प्रॉब्लम में मैं खिसक जाता हूँ यहाँ से, देखो मैं आ जाता हूँ कुछ ऐसी जगह पे जहां पे कभी कोई परेशानी ना हो। यू कैन सी दिस इज द प्लेस, दिस इज अ गुड प्लेस एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिक्रिएट करते हैं इस फिगर को। यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है, फिर यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट बी है, और बी और सी के बीच का डिस्टेंस है डी। अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना फिगर से तो रिक्रिएट कर सकता हूँ। देखो अब क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन को, अ पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू इज फिक्स्ड एट पोजीशन ए, तो ठीक है ये ए पोजीशन पे कैपिटल क्यू फिक्स्ड है। अनदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम स्मॉल चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम बी, बी से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे पॉजिटिव चार्ज को। देखो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को हम इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है, चलो इस डायरेक्शन में यू वाई जितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है। द पॉइंट बी इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए, मतलब ए और बी के बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस है, और सिमिलरली डिस्टेंस डी फ्रॉम लाइन ए सी, ये डिस्टेंस डी जो है पॉइंट बी का डिस्टेंस क्या है डी है फ्रॉम लाइन ए सी, ठीक है चलो। फिर द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू ए सी, द पॉइंट सी इज वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो सी और ए के बीच में भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है, मतलब ए बी और सी, ए बी और बेसिकली ए सी, ये दोनों एक दूसरे से दूर है, और बी और सी के बीच का डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है यहाँ पे इतना दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लस क्यू फ्रॉम कैपिटल क्यू, मतलब अच्छा ओके ओके चलो अभी मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ करना क्या है। पहले देखो ध्यान से यहाँ पे, तो पहले तो एक बात समझो कि अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बी से लेफ्ट हैंड साइड प्रोजेक्ट करता हूँ तो बेसिकली ये प्लस क्यू की रिपल्सिव इफेक्ट उसके ऊपर होगी कि नहीं होगी, तो आंसर है कि होगी, और उस रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से ये चार्ज ना सीधा नहीं जाएगा, उसको हमने भेजा था सीधा, मतलब ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में हमने उसको प्रोजेक्ट किया था, लेकिन उसके रिपल्जन की वजह से ये चार्ज जो है ना वो थोड़ा सा कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ओके तो पहले चार्ज यहां पे था और हमने प्रोजेक्ट किया था कितनी स्पीड से, यहां पे हमने प्रोजेक्ट किया था u जितनी स्पीड से, अब चला जाता है रिपल्सिव होके उस तरफ जाता है, तो हमको फाइंड करना है कि इस पूरे पाथ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये कैपिटल क्यू और ये अपना जो चार्ज प्लस क्यू जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, तो वो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप जानते हो, तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मतलब यहाँ पे जब वो प्लस क्यू चार्ज आएगा
तब जिसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड होगी, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड होगी, लेट अस से कि वो स्पीड है v। ओके, तो देखिए यहां पे चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कंजर्वेटिव होता है और इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, ये ए बी सी, यहां पे डी नाम दे देते हैं। चलिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखिए ये जो है ना वो आर मिनिमम है, दोनों के बीच का कम से कम डिस्टेंस है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट बी एंड एनर्जी एट डी मस्ट बी सेम। ठीक है, पूरे पाथ पे एनर्जी तो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। अब एनर्जी सेम है तो क्या, तो क्या, देखो एनर्जी अगर सेम है तो क्या, लेट अस सी बी पे एनर्जी कितनी होगी। तो बी पे हम क्या कर रहे हैं, उसको यू जितनी स्पीड से क्या कर रहे हैं, उसको हम थ्रो कर रहे हैं। तो यू जितनी स्पीड से थ्रो कर रहे हैं तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम यू स्क्वायर जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। फिर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज की नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। तो मतलब यहाँ पे हमारे प्लस प्लस क्यू और स्मॉल प्लस क्यू और कैपिटल प्लस क्यू की सिस्टम है। लेकिन अब देखो इनिशियली जब चार्ज बी पे होगा और प्लस क्यू कहाँ पे है, ए पे है। इनिशियली चार्ज कहाँ पे है भाई, बी पे है। देखो एक मिनट, यस, यहां पे बी पे चार्ज है इनिशियली और ये प्लस क्यू पे है। तो बी और प्लस क्यू के बीच में, यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही देखो, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर है। अगर आर बहुत बड़ा है तो दैट वैल्यू यू और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम हो जाएगी। तो हाफ एम वी, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो, ये आ जाएगा उसका लेफ्ट हैंड साइड। और डी का एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डी, वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो क्या हाफ एम वी स्क्वायर होगी। और उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर मिनिमम, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर मिनिमम। चलो अभी क्या करते हैं, देखो यहां पे एक काम करता हूं मैं, हाफ एम यू स्क्वायर को कॉमन निकालता हूं, तो यहां पे वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बचेगा और यहां पे के अपॉन आर मिनिमम ऐसे ही रखो, क्योंकि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी हुई है, और स्मॉल क्यू कैपिटल की वैल्यू कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम यू स्क्वायर और डी। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा कि मैंने हाफ एम यू स्क्वायर कैसे कॉमन निकाला, मुझे कैसे पता चल गया। देखो मैंने जरा ध्यान से देखा तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का जो प्रोडक्ट था, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का जो प्रोडक्ट था उसमें है ना स्मॉल यू स्क्वायर आता है। तो अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पे अगर यू स्क्वायर आ जाए तो यू स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जस्ट मुझे यहाँ पे दो स्टेप आगे की मैंने सोची और ऐसा सोच के मुझे पता चला कि मुझे यू स्क्वायर को कैंसिल कर देना चाहिए, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे यू स्क्वायर निकाला। तो देखो यहाँ पे फायदा हो गया, ऐसा करने से एम यू स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया। फिर देखो k और 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, क्योंकि k होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे आगे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पे कुछ बचेगा कितना, देखते हैं यहाँ पे बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2d अपॉन r मिनिमम का स्क्वायर, सॉरी r मिनिमम ही बचेगा, r मिनिमम का स्क्वायर नहीं होगा। चलो ये हो गया, तो ये आ जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी हमको v और u का एक रिलेशन चाहिए, तो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल एंगुलर मोशन कर रहा है, वो सीधा मूव नहीं कर रहा है। अब चार्ज पार्टिकल अगर सीधा मूव नहीं कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में देखो ये कुछ ऐसा है,
चार्ज पार्टिकल का पाथ, ठीक है। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u है, ये चार्ज पार्टिकल प्लस q है, ये जो डिस्टेंस है वो d है, और यहां पे क्या है, a है, यहां पे b है, सॉरी b यहां पे है, c यहां पे है, ऐसा ही कुछ है ना। एंड हमने यहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके इस पॉइंट को हमने बना दिया d, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी है वो है v। ओके, हमारी फिगर कुछ ऐसी है, और यहां पे प्लस कैपिटल q चार्ज है। अब क्या करेंगे, तो देखो ये एंगुलर मोशन हो गई, एंगुलर मोशन में टॉर्क लग सकता है, तो देखते हैं टॉर्क कितना होगा। तो देखो यहां पे प्लस क्यू को, प्लस क्यू के ऊपर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, तो प्लस क्यू के ऊपर कौन टॉर्क लगाएगा पहले, तो क्योंकि फोर्स की वजह से ही टॉर्क लगता है, और फोर्स होगा कूलम फोर्स, तो देखो कूलम फोर्स कौन सा होगा, तो कि कूलम फोर्स हमेशा इन दोनों के बीच में लगता है, तो मतलब ये कूलम फोर्स कैसा लगेगा, मान लो प्लस क्यू जो है वो प्लस क्यू और इस कैपिटल प्लस क्यू के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फोर्स की जो लाइन है ना भाई, फोर्स की लाइन जो है वो इस क्यू में से पास होती है। तो अगर कोई मुझे पूछे कि टॉर्क ऑन व्हाट स्मॉल क्यू, टॉर्क ऑन स्मॉल क्यू, कोई मुझे पूछे कि टॉर्क ऑन स्मॉल क्यू चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो वो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने सीखा है कि अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर रेफरेंस पॉइंट में से ही अगर पास होती हो तो ऐसे सिचुएशन में टॉर्क क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। या दूसरा तरीका, टॉर्क निकालना है तो क्या करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसका, तो के फोर्स की लाइन का, कहां से, तो के ओरिजिन से। तो देखो फोर्स की लाइन अपनी कौन सी है, ये लाइन है जो मैंने डॉट करके दिखाई है यहां पे बड़ी लंबी वाली, ठीक है, ये लाइन है। तो इस लाइन का अपना पॉइंट ए है, उसके साथ डिस्टेंस कितना है, तो के डिस्टेंस है जीरो, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहां पे क्यू पे लगने वाला टॉर्क जीरो है, एंड देयरफॉर फोर चार्ज क्यू प्लस क्यू चार्ज, एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना वो कंजर्व होगा, एंगुलर मोमेंटम will remain conserved, ठीक है। अगर angular momentum अगर conserved हो चुका है तो हम बोल सकते हैं कि angular momentum L at B is equal to angular momentum at B। तो angular momentum क्या होता है, MVR, उसका traditional formula है, तो M B की जगह पे, V की जगह पे क्या आएगा, U, और R की जगह पे आएगा D, ठीक है, और फिर यहां पे m v और r मिनिमम आ जाएगा। क्यों, ये r मिनिमम है, देखो। ओके, ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में भी क्या करना होता है, तो के वेलोसिटी लिखना होता है और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जरा ध्यान से देख लो, मैं बताता हूं साइड में फिगर बना के। ये पॉइंट b पे वेलोसिटी की लाइन कौन सी है, इसलिए लाइन में वेलोसिटी है, और अपना रेफरेंस पॉइंट कहां पे, a है इज रेफरेंस पॉइंट, तो ये लाइन अपने इस रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूर है, तो कि d जितनी दूर है, इसलिए मैंने यहां पे m के साथ u लिखा, वेलोसिटी कितनी होगी u, तो m u और डिस्टेंस d लिखा। अभी मान लो कि इस पॉइंट पे d पे क्या हुआ, d पे वेलोसिटी ऐसी है, तो वेलोसिटी की लाइन कुछ ऐसी है देखो, और इस वेलोसिटी की लाइन का a से डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कि r मिनिमम होगा, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, r मिनिमम लिखा है। अगर ये लिखना नहीं आता है ना आपको, तो आपको 11th का रिवीजन यहां पे करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू राइट एंगुलर मोमेंटम एंड हाउ टू राइट टॉर्क। वहां पे हमने ये फॉर्मूला यूटिलाइज किए थे, टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो होता है मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये दोनों का कंसेप्ट मैंने यहां पे यूटिलाइज करके ये लिखा, और उसके ऊपर से मुझे यहां पे v बाय यू मिल जाएगा। v बाय यू कितना मिलेगा, तो कि d अपॉन r मिनिमम, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब दूसरा इक्वेशन देखो, पहला और दूसरा इक्वेशन, पहले इक्वेशन के अंदर v square by u square आता है ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, and therefore from one, पहला इक्वेशन क्या था, one minus v square by u square, v square by u square की जगह पे d square upon
आर मिनिमम का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2D अपॉन आर मिनिमम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आर मिनिमम का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन आर मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2D अपॉन आर मिनिमम। तो बचेगा क्या यहां पे, आर मिनिमम का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2D इंटू आर मिनिमम बचेगा। तो देखो यहां पे आर मिनिमम का स्क्वायर, ये 2D आर मिनिमम मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं, तो माइनस 2D और फिर आर मिनिमम, फिर यहां पे जो बचा है डी स्क्वायर उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस बी यानी 2D प्लस और माइनस बी स्क्वायर यानी 4D स्क्वायर, 4 ए यानी 1, सी यानी माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो अब क्या करते हैं, आर मिनिमम मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां पे आर मिनिमम आ जाएगा 2D बाई टू यानी डी हो जाएगा, प्लस और माइनस 1/2, और अंडर रूट क्या होगा देखते हैं चलिए, तो ये 8D स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 8D स्क्वायर हो जाएगा, यू कैन सी दैट। और इसकी वजह से यहां पे डी प्लस और माइनस हाफ, रूट 8 होता है 2√2 और डी स्क्वायर का रूट होगा डी, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, डी कॉमन निकल जाएगा, तो 1 प्लस और माइनस √2 बचेगा। लेकिन आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसकी वजह से फाइनल जो वैल्यू मुझे आर की मिली वो फाइनल वैल्यू है डी इंटू 1 प्लस √2। अभी देखो क्वेश्चन में हमको बोल दिया है कि जो आर मिनिमम डिस्टेंस है ना वो डी इंटू 1 प्लस √a है, और हमको आंसर जो मिला वो क्या मिला, डी इंटू 1 प्लस √2 मिला। वहां पे √a है, यहाँ पे √2 है, इससे पता चल जाएगा कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा 2, therefore a is equal to 2। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व। देखो ये प्रॉब्लम सिर्फ उनको ध्यान में देने हैं जो कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही सिंसियरली एफर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि नीट वाले बच्चे ऐसा सोचेंगे सर इतना लंबा लंबा प्रॉब्लम थोड़ा होता है। देखो ये कोई लंबा या छोटा प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे आपके सामने जब कोई क्वेश्चन आता है तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा अप्रोच लेते हो वो अप्रोच सीखना होता है। यहाँ से याद रखना, ये यहाँ पे आप प्रॉब्लम सीखने नहीं आते भाई, ये प्रॉब्लम तो ठीक है मैंने करवा दिया, इसके सिवा कुछ और प्रॉब्लम भी मिलेंगे आपको, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। ऐसा थोड़ा है कि दुनिया में ये एक ही प्रॉब्लम है, ठीक है, दुनिया में सिर्फ ये एक ही प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो आपको सिर्फ सीखना है, क्या सीखना है, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच सीखना है, ठीक है। इसमें छोटी छोटी कैलकुलेशन हमने की, देखो आप, हमने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई किया इस प्रॉब्लम में, फिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमने क्या किया तो कि टॉर्क जीरो होता है वो हमने कैलकुलेट किया, फिर हमने ये सीखा कि जब टॉर्क जीरो होता है ना तभी जाके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम यूज कर सकते हैं। ये सब चीजें हम 11th में पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ चुके, लेकिन ये छोटे छोटे कंसेप्ट, ये सब प्रॉब्लम हमको क्या करवाते हैं, रिमाइंड करवाते हैं। आपको मान लो इसी क्वेश्चन से अगर मैं कोई गुजकैट लेवल का या नीट लेवल का कोई क्वेश्चन पूछूं, सिर्फ इतना पूछ सकता हूं कि वेदर यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो टॉर्क जीरो होगा तो होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे, बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना वो बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम को मर्ज करके बनता है, याद रखना, ये बड़ा प्रॉब्लम बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम को मर्ज करके बनता है। तो यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम करने का फायदा यह है कि बहुत सारे छोटे प्रॉब्लम आपको नहीं करने पड़ते, एक बड़े प्रॉब्लम में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाती है। सो जस्ट फोकस्ड ऑन दिस, ये डेफिनेटली इजी नहीं है आपके लिए, नहीं मेरे लिए भी इजी नहीं है, ये तो मैंने कभी कभी किया है ऐसा प्रॉब्लम तो मैं कर पाया। अगर कुछ नई चीजें मेरे सामने आती है तो हो सकता है कि मैं भी उसके लिए थोड़ा सा टाइम लूं, ऐसा नहीं होता कोई भी टीचर, इंडिया का कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा कि कोई भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली वो सॉल्व कर पाए, उनको भी कभी कभी टाइम लेना पड़ता है। सो आपको भी टाइम लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फोकस कीजिए, काम कीजिए, एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस करके डिफिकल्टी पूछते रहिए। अगर ऐसी कोई डिफिकल्टी मिलती है जो सबको बतानी पड़ती है, सबको बताने से फायदा है, तो आई विल कंडक्ट लेक्चर फॉर सच डिफिकल्टी, अदरवाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे।
आज का लेक्चर मैं यहां पे खत्म करता हूं, मिलेंगे बाद में, बाय बाय।